सो गाइस, आज मैं बीएमएक्स सीरीज को अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी और आप इस वीडियो का 10K लाइकें भी जल्दी पूरा कर देंगे। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक खूबसूरत सिटी दिखाई जाती है जहाँ पर हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जिसका नाम कीको था, जो कि सुबह सुबह अपने घर के सामने वाले लेटर बॉक्स में से एक लेटर को उठा रही थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कीको की पीठ में दर्द भी था जिसकी वजह से उसे चलने में कई बार दिक्कत होती थी। अब जैसे वो लेटर लेकर अपने घर के अंदर जा रही होती है तभी पीछे से एक सूटकेस चलते हुए आता है जिसमें से एक बड़ा सा रोबोट निकलता है। उस रोबोट का नाम बीएमएक्स था। बीएमएक्स आते ही कीको से कहता है कि मैं आज से तुम्हारा पर्सनल हेल्थ कंपेनियन हूँ। ये बात सुनकर कीको बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि मैं बिल्कुल फिट हूँ और मुझे किसी हेल्थ कंपेनियन की जरूरत नहीं। लेकिन बीएमएक्स उसे कहता है कि वो उसकी मदद कर सकता है और उसे अपने दर्द से छुटकारा दिलवा सकता है, जिसके लिए उसे रोज एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और बीएमएक्स की बात माननी पड़ेगी। बीएमएक्स उसे ये भी कहता है कि उसे रोज स्विमिंग करनी पड़ेगी और उसके लिए एक अच्छा स्विमिंग एरिया ढूंढने लगता है अपने जीपीएस की मदद से। तभी वो स्कैनिंग करने लगता है और पास ही के एक फ्लैश को देखकर कहता है कि कीको को इसी जगह पर स्विमिंग करने के लिए जाना चाहिए। अब कीको बीएमएक्स की बातें सुनकर बहुत परेशान हो रही थी, इसीलिए अपने घर के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। वो अब खिड़की से बाहर जाकर देखती है कि बीएमएक्स भी फिर से उसी सूटकेस में बैठकर वहाँ से चला गया है। अब दूसरे दिन जब सुबह सुबह कीको अपने घर से बाहर आती है तो उसका पैर घर के सामने रखे एक बार टब में पड़ जाता है। तभी हम वहाँ पर बीएमएक्स को भी देखते हैं जो कि अब कीको के मन में से पानी का डर निकालने के लिए उसे पानी के और करीब ला रहा था और उसी ने वो बार टब कीको के घर के सामने भी रख दिया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि कीको जितनी बार पानी के नजदीक आती उतनी बार रिवार्ड के तौर पर बीएमएक्स उसे एक चॉकलेट टॉफी दे देता। बीएमएक्स अब कीको के पीछे ही पड़ चुका था और वो हर काम के वक्त बीच में आकर कीको को पानी में भिगा देता था और उसके बदले उसे एक टॉफी भी दे देता था। इन सब चीजों से परेशान होकर अब कीको ने एक दिन बीएमएक्स का पीछा करने की सोची और ये पता करने लगी कि आखिर वो कहां से आया है। अब पीछा करते करते वो सीधा एक पार्क में पहुंच गई जहां पर उसने देखा कि बीएमएक्स पार्क में बैठे सभी इंसानों और जानवरों को भी हेल्थ टिप्स दे रहा था। लेकिन फिर भी जैसे तैसे छुपते छुपाते कीको बीएमएक्स का पीछा करने लगती है और उसके पीछे पीछे एक सुनसान गली में चली जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बीएमएक्स उसे एक स्विमिंग पूल के पास लेकर आया है और उसे पहले से ही पता था कि कीको उसका पीछा कर रही है, इसीलिए उसे कहता है कि तुम्हें अपना पानी का डर निकालने के लिए स्विमिंग पूल में तैरना पड़ेगा। ये बात सुनकर कीको बीएमएक्स को बताती है कि मुझे पानी से कभी डर नहीं लगता था, लेकिन मुझे इस जगह से लगता था जहाँ पर तुम मुझे लेकर आए हो। ये बात कहकर कीको बीएमएक्स को अपने हस्बैंड की फोटो दिखाती है और कहती है कि जब हम दोनों जवान थे तब मेरे हस्बैंड इसी जगह पर स्विमिंग कर रहे थे और अचानक एक दिन वो नदी के नीचे चले गए और फिर कभी वापस बाहर नहीं आए। उस दिन से मुझे अब इस जगह से नफरत हो गई है और मैंने ठान लिया कि कभी स्विमिंग नहीं करूंगी। कीको की यह बात सुनकर बीएमएक्स उसे कहता है कि जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और अब तुम्हें भी जिंदगी के मजे लेना सीखना होगा और अपने दुख दर्द को पीछे छोड़ना होगा। बीएमएक्स की यह बात सुनकर कीको बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे लगता है कि उसे बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए और उसे अब अपनी दुखी जिंदगी छोड़कर अपनी लाइफ को भी मजे से जीना चाहिए, इसीलिए वो भी एक स्विमिंग सूट पहनकर आती है और हम देखते हैं कि बीएमएक्स ने भी एक स्विमिंग सूट पहन रखा है और वो दोनों अब स्विमिंग करने के लिए पानी के अंदर उतरने वाले हैं। और यहीं पर ये पहला एपिसोड एंड हो जाता है। अब मैं आपको इसका दूसरा एपिसोड एक्सप्लेन करूंगा। दूसरे एपिसोड की शुरुआत में हम कैसी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो किसी कैफे में वेटर का काम कर रही थी और वो अपने सभी कस्टमर के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छे से बातें करती थी, इसीलिए सभी कस्टमर उसे पसंद करते थे। उसे सभी कस्टमर के पसंद के बारे में पता था और वो आने जाने वाले सभी लोगों की तारीफ करती थी, जिस वजह से कैफे में सभी लोग उसी पर भरोसा करते थे। अब यहाँ पर काम करते करते कैसी को अचानक चोट लग जाती है और उसके पैरों में मोच आ जाती है, जिसकी वजह से वो धीमी आवाज में चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर बीएमएक्स वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर कैसी थोड़ी परेशान होने लगती है। बीएमएक्स उसे कहता है कि मैं तुम्हारे दर्द को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन कैसी उसे कहती है कि मुझे तो कोई दर्द नहीं है। लेकिन तभी बीएमएक्स कहता है कि मैंने सुना कि तुमने दर्द में अपने मुँह से आवाज निकाली। कैसी बीएमएक्स से अपना
पीछा छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन तभी बेमेक्स उसे स्कैन करने लगता है और कहता है कि तुम्हारे पैरों में मोच है और मुझे उसे ठीक करना है। और वो केसी को अपने घर ले जाता है जहाँ पर वो उसके पैर की मोच को ठीक करने लगता है और उसे कहता है कि अब उसे आराम करना चाहिए और बेमेक्स उसका कैफे संभालेगा। यहाँ पर केसी थोड़ी परेशान हो जाती है और कहती है कि मेरे कस्टमर्स मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए तुम उनका अच्छे से ख्याल रखना। बेमेक्स केसी को दिलासा देते हुए वहाँ से चला जाता है, लेकिन केसी को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसीलिए अपनी पालतू बिल्ली के सर पर एक छोटा सा कैमरा लगा देती है और उसे बेमेक्स के पीछे भेज देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि केसी को अपनी बिल्ली के ऊपर भी भरोसा नहीं था, इसीलिए खुद छुपते छुपाते कैफे में पहुँच जाती है जहाँ पर वो बेमेक्स की हरकतों पर नजर रखने लगती है। यहाँ पर केसी छुप छुप कर कैफे का सभी काम करने लगती थी, लेकिन बेमेक्स हर बार उसे पकड़ लेता था और आराम करने के लिए अपने घर पर बिठा देता था। अब यहाँ पर एक दिन केसी बेमेक्स से कहती है कि तुम मेरे कैफे को ठीक से नहीं चला रहे हो, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ेगा। बेमेक्स उसे समझाते हुए कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं कैफे ठीक से नहीं चला पा रहा हूँ तो तुम्हें कैफे कुछ दिनों तक बंद कर देना चाहिए। केसी बेमेक्स की बात मान जाती है और ठीक ऐसा ही करती है, वो अपना कैफे बंद कर देती है। लेकिन तभी वो देखती है कि उसकी बिल्ली कैफे में एक चेयर पर सो रही है और उसके सर पर वो मिनी कैमरा अभी भी लगा हुआ है, इसीलिए अब वो जब उस कैमरे की फुटेज चेक करने लगती है तब देखती है कि उसके कुछ कस्टमर ने उस बिल्ली को पकड़ लिया था और उन्हें पता चल गया था कि केसी की बिल्ली है। इसीलिए उस रिकॉर्डिंग में केसी से कहते हैं कि बेमेक्स तुम्हारा काम बहुत ही अच्छे से कर रहा है, इसीलिए तुम्हें तब तक कैफे आने की कोई जरूरत नहीं है जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। यह बात सुनकर केसी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसे पता चल जाता है कि उसकी गैर हाजिरी में बेमेक्स ने कैफे बहुत ही अच्छे से संभाला और कस्टमर्स को शिकायत का कोई मौका नहीं दिया, इसीलिए वो बेमेक्स पर भरोसा करने लगती है और उसे गले लगा लेती है। इसी के साथ इस सीरीज का दूसरा एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, इस सीरीज के तीसरे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बेमेक्स एक स्कूल में होता है और वो क्लासरूम की एक टीचर को बच्चों को पढ़ाने में मदद कर रहा था, लेकिन अब ब्रेक होने के कारण सभी बच्चे क्लासरूम से बाहर चले जाते हैं और वहीं पर क्लासरूम में हम दो बच्चों को देखते हैं जिनका नाम सोफिया और आली होता है और अब वो भी ब्रेक में क्लासरूम से बाहर आ जाते हैं और सबसे पहले वॉशरूम की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पर वो दोनों आपस में कुछ बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें दो छोटे छोटे रोबोट्स खेलते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर सोफिया कहती है कि उसे रोबोट से सख्त नफरत है। यह कहकर जब वो अपने वॉशरूम में चली जाती है तब तबीयत खराब होने के कारण उसे दर्द होने लगता है और अचानक उसके मुंह से हल्की चीखें निकल जाती है। उसकी आवाज सुनकर बेमेक्स भागकर चला आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारा पर्सनल हेल्थ कंपेनियन बनने के लिए तैयार हूँ और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यहाँ पर सोफिया भी बेमेक्स से अपना पीछा छुड़ाने के लिए कहती है कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तुम जा सकते हो। लेकिन तभी बेमेक्स उसे भी पूरी तरीके से स्कैन कर लेता है और कहता है कि तुम्हारे पेट में तकलीफ हो रही है। अब ना चाहते हुए भी सोफिया बेमेक्स से कहती है कि उसे गर्ल्स वाली प्रॉब्लम है और इसी कारण उसे पेट में दर्द हो रहा है। यह बात सुनकर बेमेक्स वहाँ से चला जाता है और सीधे मेडिकल स्टोर जा पहुँचता है जहाँ पर वो कुछ लड़कियों से मिलता है और कहता है कि उसे गर्ल्स प्रॉब्लम के लिए क्या यूज करना चाहिए। यह बात सुनकर एक लड़की उसे कहती है कि मैं टेम्पोन इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन तभी दूसरी लड़की आकर कहती है कि सैनिटरी पैड ज्यादा कंफर्टेबल होता है लड़कियों के लिए। ऐसे ही करते करते वहाँ पर कई सारे लोग जमा हो जाते हैं जो कि बेमेक्स को अपने अपने सजेशंस देने लगते हैं। वो सभी लोग बेमेक्स को अपने पसंद से सैनिटरी पैड्स दे देते हैं और अब बेमेक्स वो सारे पैड लेकर फिर से सोफिया के पास स्कूल में आ जाता है। वो सोफिया को एक सैनिटरी पैड दे देता है अब जिसकी वजह से सोफिया को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। सोफिया बेमेक्स को थैंक यू कहती है क्योंकि उसने उसकी मदद की थी। अब उन दोनों के बीच बातें चल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर सोफिया का वही दोस्त आली आ जाता है जो कि पहले क्लासरूम में था और उसे कहता है कि थोड़ी देर में एक टैलेंट शो शुरू होने वाला है जिसमें उन दोनों को पार्टिसिपेट करना है। यह बात सुनकर सोफिया बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है और कहती है कि उसे आज ही गर्ल्स प्रॉब्लम शुरू हुआ है और वो इस हालत में किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। वो लड़का सोफिया से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है लेकिन सोफिया फिर भी नहीं मानती। अब यहाँ पर बेमेक्स उसे कहता है कि तुम्हें इस स्कूल एक्टिविटी में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि इस हालत में तुम्हें फिजिकल एक्सरसाइज
की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, जो कि तुम्हें दर्द से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकती है। बेमेस के समझाने के बाद अब सोफिया भी उसकी बात मान जाती है और अब सोफिया आली के पास चली जाती है और कुछ ही देर में शुरू होने वाले उस स्कूल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए उसे हाँ कर देती है। अब इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के पार्टनर बनकर उस स्कूल एक्टिविटी में परफॉर्म करने लगते हैं। इसी के साथ तीसरा एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अब मैं आपको इसका फोर्थ एपिसोड एक्सप्लेन करूंगा, जिसकी शुरुआत में हम मोबोटो नाम के एक ट्रक ड्राइवर को देखते हैं, जो कि फिश ट्रांसफर करने के काम करता था। यहाँ पर एक सुबह वो मार्केट में फिश एक्सपोर्ट करने के लिए आता है और वहीं पर एक दुकानदार से बातें भी कर रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से उसका एक दोस्त आकर उसे आवाज देता है, जिसका नाम योंकियो था। योंकियो मोबिटो से पूछता है कि तुम्हारा फिश एक्सपोर्टिंग का काम कैसा चल रहा है, जिसके जवाब में मोबिटो कहता है कि उसका काम इतना ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन वो फिर भी इस काम से काफी ज्यादा खुश है। यहाँ पर अब योंकियो मोबिटो से कहता है कि तुम्हें इसके साथ साथ सब्जियां भी एक्सपोर्ट करनी चाहिए, ताकि तुम्हारा बिजनेस और ज्यादा तरक्की कर सके, और अगर तुम्हें फ्रूट्स एक्सपोर्ट करने हो तो फिर मुझसे एप्पल खरीद सकते हो। यह बात सुनकर मोबिटो कहता है कि वो फिलहाल दूसरा सामान एक्सपोर्ट नहीं करना चाहता, बल्कि वो फिश एक्सपोर्टिंग के काम से ही खुश है। अब ये बात सुनकर योंकियो भी वहाँ से अपना काम करने के लिए चला जाता है। अब मोबिटो भी अपने वैन में आ जाता है और रेडियो पर अपना पसंदीदा गाना चला देता है और साथ ही साथ कुकिंग भी करने लगता है। जब वो अपना काम खत्म कर लेता है तब अपने स्टॉल में सभी कस्टमर को बुलाकर उन्हें फिश सूप पिलाने लगता है। अब उसके पास एक लड़का आ जाता है जिसके हाथ में एक छोटा सा बेबी था। वो लड़का मोबिटो से कहता है कि मुझे फिश सूप नहीं चाहिए, लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी खाने की चीज है जो मैं इस बच्चे को खिला सकूं? ये बात सुनकर मोबिटो कहता है कि मेरे पास तो सिर्फ फिश की डिशेज है, लेकिन तुम्हें अगर इस बच्चे को कुछ खिलाना है तो फिर बगल में ही मेरे एक दोस्त की दुकान है, जिसका नाम योंकियो है, जो कि बहुत अच्छी एप्पल सॉस बनाता है, तुम्हें उसके पास चले जाना चाहिए। जब वो बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी गलती से मोबिटो का हाथ सामने रखे फिश सूप के एक गर्म पतीले पर लगता है, जिसकी वजह से वो जोर से चिल्ला देता है। उसकी आवाज सुनकर तुरंत बेमेक्स वहाँ पर आ जाता है और मोबिटो से कहता है कि मैं तुम्हारा पर्सनल हेल्थ कंपेनियन बनने के लिए तैयार हूँ और मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दी जब तुम्हारा हाथ जल गया था। मोबिटो अभी उसे भगाने की कोशिश करता है और कहता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तभी बेमेक्स उसे पूरी तरीके से स्कैन कर लेता है और कहता है कि तुम्हारे हाथ में जलन हो रही है और वो सूज चुका है और तुम्हें फिश एलर्जी भी है। ये बात सुनकर मोबिटो हंसने लगता है और बेमेक्स से कहता है कि मुझे कोई फिश एलर्जी नहीं है, क्योंकि मैं कई सालों से फिश एक्सपोर्टिंग का काम कर रहा हूँ और हमेशा फिश के साथ ही रहता हूँ। जवाब में बेमेक्स कहता है कि फिश एलर्जी किसी भी उम्र में शुरू हो सकती है, इसीलिए तुम्हें जल्दी ही अपने आसपास से सारे फिश हटा देने चाहिए। अब मोबिटो देखता है कि कई सारे कस्टमर उसके स्टॉल की तरफ आ रहे हैं, इसीलिए वो बेमेक्स को वहाँ से भगाने लगता है, लेकिन बेमेक्स वहाँ से बिल्कुल नहीं जाता, जिस वजह से सारे कस्टमर परेशान होकर खुद स्टॉल छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। इस बात की वजह से मोबिटो को उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन उसके हाथ के दर्द की वजह से वो कुछ नहीं कर पाता। तभी बेमेक्स उसके स्टॉल के अंदर घुस जाता है और वहाँ से सारे फिशेस को हटाने लगता है। और अब मोबिटो को ठीक करने के लिए बेमेक्स उसे इंजेक्शन देने वाला था कि तभी मौका देकर मोबिटो से धक्का दे देता है और वहाँ से अपनी वैन लेकर भाग जाता है। वो देखता है कि बेमेक्स भी उसका पीछा कर रहा था, इसीलिए अपनी वैन को और तेजी से भगा रहा था, जिसकी वजह से रोड पर काफी ज्यादा भगदड़ मच जाती है। लेकिन आखिरकार बेमेक्स उसे पकड़ लेता है और अब न चाहते हुए भी मोबिटो को उसके सामने हार माननी पड़ती है। बाद में हम देखते हैं कि वो दोनों साथ में बैठे हुए हैं और मोबिटो बेमेक्स को बताता है कि फिशिंग सेलिंग का बिजनेस उसकी पूरी फैमिली करती थी, लेकिन अब उसके माँ बाप की डेथ के बाद वो ये काम कंटिन्यू करना चाहता है। बेमेक्स उसे समझाता है कि अगर तुम ये काम करते रहे तो फिर फिश एलर्जी की वजह से तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। और अब आखिरकार मोबिटो उसकी बात मान जाता है और फिश एक्सपोर्टिंग का बिजनेस छोड़कर कुछ दूसरा काम करने की सोचता है। इसीलिए अगले दिन बाजार में जाकर सारे फ्रूट और वेजिटेबल्स देखने लगता है कि कौन सा बिजनेस उसके लिए सही रहेगा। यहाँ वो अपने उसी दोस्त योंकियो से मिलता है और उसे पता चल जाता है कि योंकियो उसकी मदद कर सकता है, इसीलिए वो फ्रूट एक्सपोर्टिंग का बिजनेस शुरू कर देता है और साथ ही साथ अपने दोस्त योंकियो के साथ बाहर घूमने का भी प्लान बनाता है। तो गाइस एपिसोड 4 भी यही
यहीं पर खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि एक बिल्ली एक पार्क में सो रही होती है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर खाने की बहुत अच्छी खुशबू आती है, जिसका पीछा वो करने लगती है और देखती है कि उस पार्क में एक आदमी बैठकर खाना खा रहा था। वो आदमी अपने कान में ईयरफोन डालकर गाने सुन रहा था और साथ ही साथ बड़े ही मजे से खाना खा रहा था। ये देखकर वो बिल्ली उस आदमी को चकमा देकर उसका खाना चुरा कर खाने लगती है और मौका देखते ही वहाँ से भाग जाती है। अब चलते चलते उसे अचानक हिचकी आने लगती है, तभी उसकी हिचकियों की आवाज़ सुनकर वहाँ पर बेमेक्स आ जाता है और उसे भी यही कहता है कि मैं तुम्हारा पर्सनल हेल्थ कंपेनियन बनने के लिए तैयार हूँ। उस बिल्ली को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन उसी वक्त बेमेक्स उसे पूरी तरीके से स्कैन कर लेता है और उसे कहता है कि तुम्हारे गले में एक इलेक्ट्रॉनिक ईयरफोन है। गाइस, यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब वो बिल्ली उस आदमी का खाना चोरी करके खा रही थी, तभी उसी वक्त गलती से उसने उस आदमी का ईयरफोन भी निगल लिया था। अब बेमेक्स उस बिल्ली के गले में से ईयरफोन निकालने के लिए जब आगे बढ़ता है, तब वो बिल्ली काफी ज्यादा डर जाती है और उस पर हमला करके वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पर बेमेक्स भी उस बिल्ली का पीछा करने लगता है और एक सुनसान गली में पहुँच जाता है। वहाँ पर वो उस बिल्ली को ढूंढ लेता है, लेकिन वो बिल्ली फिर भी भागने लगती है और भागते भागते एक बिल्डिंग की खिड़की के पास पहुँच जाती है। वहाँ पर वो बिल्ली देखती है कि एक घर में एक और बिल्ली किसी टॉय माउस के साथ खेल रही थी। उस टॉय माउस को देखकर वो बिल्ली बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि अब उसे भी किसी टॉय माउस के साथ खेलना था। लेकिन तभी एयरफोन में गाना बजने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर बेमेक्स वहाँ भी आ जाता है। अब वो बिल्ली वहाँ से फिर से भाग जाती है और किसी अनजान जगह पर एक तहखाने में चली जाती है। यहाँ पर बेमेक्स भी उसका पीछा करते करते उसी तहखाने में पहुँच जाता है, जहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा था, लेकिन फिर भी बेमेक्स उससे हर तरफ स्कैन करने लगता है। बाद में पता चलता है कि वो बिल्ली उसी के पीछे छुपी हुई थी। यहाँ पर काफी ज्यादा भाग दौड़ करने के बाद आखिरकार बेमेक्स उस बिल्ली को पकड़ ही लेता है और अब उसे सहलाने लगता है, जिसकी वजह से उसके गले में फंसा हुआ वो ईयरफोन बाहर निकल आता है। अब उस बिल्ली की परेशानी खत्म हो गई थी और वो काफी अच्छा महसूस कर रही थी, लेकिन उसी वक्त बेमेक्स की बैटरी भी खत्म होने लगती है और वो ठीक से चल नहीं पाता, जिसकी वजह से वो वहीं पर गिर जाता है और अब वो बिल्ली भी वहाँ से भाग जाती है। मगर ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगले एपिसोड में हम हीरो को देखते हैं जो सो रहा होता है और उसने बेमेक्स को बनाया था। उसकी जब आँख खुलती है, तब उसे पता चलता है कि बेमेक्स अब तक घर वापस नहीं आया। इस बात की वजह से हीरो बहुत परेशान हो जाता है। अब इसके बारे में कैसी को बताता है, जिसे हमने पहले भी देखा था। वो दोनों मिलकर GPS की मदद से बेमेक्स को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। बेमेक्स की लोकेशन का पता चलते ही कैसी अपना कैफे बंद करके हीरो के साथ उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। यहाँ पर वो लोग सबसे पहले कीको के पास जाते हैं, जिसे हमने सबसे पहले देखा था। वो लोग कीको से बेमेक्स के बारे में पूछताछ करने लगते हैं और उसे बताते हैं कि वो कहीं खो गया है। ये बात सुनकर अब कीको भी उनके साथ शामिल हो जाती है और बेमेक्स को ढूंढने लगती है। ढूंढते ढूंढते अब उन लोगों को पता चलता है कि बेमेक्स ने हाल ही में मोबिटो को भी हेल्थ इंजेक्शन दिए थे, इसीलिए वो लोग उसे ट्रैक करते करते मोबिटो के दुकान पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर मोबिटो को भी जब पता चलता है कि बेमेक्स कहीं खो गया है, तो वो भी उन तीनों के साथ शामिल हो जाता है। अब वो सभी लोग मोबिटो की वैन में बैठकर बेमेक्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वो लोग फिर से ट्रैक करते करते सोफिया के पास पहुंच जाते हैं और उससे भी पूछते हैं कि क्या तुम्हें बेमेक्स के बारे में कुछ पता है, क्योंकि उसने तुम्हें भी हाल ही में हेल्थ इंस्ट्रक्शन दिए थे। मगर सोफिया को कुछ पता नहीं होता, इसीलिए वो भी उनके साथ बेमेक्स को ढूंढने के लिए शामिल हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस तहखाने में कुछ फैक्ट्री के वर्कर आकर अपना काम शुरू कर रहे होते हैं और वहीं पर बेमेक्स भी बेहोश पड़ा हुआ होता है, जिसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी। हीरो और बाकी सभी लोग मिलकर वहाँ दूसरों से पूछताछ कर रहे थे कि उन्होंने कहीं बेमेक्स को देखा है या नहीं, लेकिन तभी पूछताछ करते समय कीको को वो बिल्ली मिल जाती है, जिसका आखिरी बार बेमेक्स ने इलाज किया था। उन्हें उस बिल्ली के पास वही ट्रॉफी मिलती है जो बेमेक्स अपने पेशेंट को दिया करता था। अब उन लोगों को पता चलता है कि बेमेक्स ने आखिरी बार उस बिल्ली का इलाज किया है, इसीलिए अब वो सभी लोग उस बिल्ली के जरिए बेमेक्स तक पहुंचना चाहते थे। सभी लोग उस बिल्ली को बेमेक्स के बारे में बताते हैं। जल्दी उस बिल्ली को भी समझ आ जाता है कि ये लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए वो भी उन सबको अपने पीछे ले जाने लगती है। बाकी के सभी लोग मोबिटो की वैन में
में बैठकर उस बिल्ली का पीछा करने लगते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कीको भागकर ही उस बिल्ली का पीछा कर रही थी। अब कुछ ही समय में वो सभी लोग उसी तहखाने की तरफ पहुंच जाते हैं जहां पर वो अंदर जाने की सोचते हैं, लेकिन वहां का वॉचमैन उन्हें अंदर जाने नहीं देता। अब वो लोग एक प्लान बनाते हैं और मोबिटो अपने टेस्टी फिश की डिश बनाकर उन सभी वॉचमैन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ बाकी के लोग चुपके से उस तहखाने में घुस जाते हैं। यहाँ पर वो देखते हैं कि बिल्डिंग का दरवाजा पूरी तरह से बंद था, इसीलिए वो लोग अब एक चेम्बर के जरिए उसके अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ उन्हें फैक्ट्री के अंदर बेमैक्स मिल जाता है, जिसे वो लोग बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब सारे वर्कर्स भी वहाँ से निकल जाते हैं और फैक्ट्री के अंदर जाने लगते हैं, जिसकी वजह से कैसी बहुत डर जाती है क्योंकि उसे लगता है कि कहीं उसके साथी पकड़े ना जाए। इसीलिए उस वैन का हॉर्न जोर जोर से बजाने लगती है, जिसकी वजह से फैक्ट्री के अंदर उन सभी लोगों को पता चलता है कि सभी वर्कर्स उनकी तरफ आ रहे हैं। वहाँ पर हमें पता चलता है कि वो सभी वर्कर्स उस जगह पर किसी इलेक्ट्रिक ट्रांसप्लांट की तैयारी कर रहे थे, जो कि और भी ज्यादा खतरनाक था। इससे पहले वो लोग मशीन शुरू कर पाते, वहाँ पर वो बिल्ली उस फैक्ट्री के छत पर आ जाती है, जिसकी वजह से उन सभी वर्कर्स को पता चलता है कि उस जगह पर एक बिल्ली है। इसीलिए वो लोग तुरंत मशीन को बंद कर देते हैं। इतने समय में बाकी के सभी लोग अब बेमैक्स को भी बाहर निकाल लेते हैं और उसे मोबिटो की वैन में लेकर आते हैं। यहाँ हीरो बेमैक्स को चार्ज कर देता है और वो सभी लोग खुशी खुशी बेमैक्स को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और अब बेमैक्स भी काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने जिन लोगों की मदद की थी अंत में उन सभी लोगों ने मिलकर उसे बचा लिया। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।